हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियाँ, कितनी अनुसूचियाँ, आज में संविधान की जो अनुसूची हैं शेड्यूल्ड है उनके बारे में आज मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आप पूरी जानकारी यानी कि अच्छे तरीके से इस टॉपिक को जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और दोस्तों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस जरूर करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए मैं आज आपको बता दूं कि मैं आपका आज क्या क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ आखिर क्यों जोड़ी गई, क्या जरूरत पड़ गई कि आपको अनुसूचियाँ जोड़नी पड़ी हमारे इतने बड़े संविधान में, इतने अनुच्छेद होते हुए इसमें अनुसूचियाँ ही क्यों जोड़नी पड़ी, अनुच्छेद भी और भी अनुच्छेद बढ़ा सकते थे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, जिससे कि आपको दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो भी जान सके। और आपका जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ बहुत सारे एग्जाम्स में, अच्छे अच्छे एग्जामों में बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों को इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं पार्ट बने हमारे अनुसूचियों का पार्ट सेकंड भी जल्दी आएगा। दोस्तों चलिए मैं आपको बताऊँ कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ क्यों जोड़ी गई। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं जोड़ी गई हैं। तो दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों इसीलिए आप इससे ज़्यादा जो भी मुद्दे बचे हुए थे, जो भी टॉपिक बचे हुए थे, उन्हें जोड़ने के लिए हमारे संविधान में अनुसूचियों की व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद में ना ले जाके इन्हें अनुसूचियों में जोड़ दिया है, जिससे कि वो कम बीच में मतलब कम जगह में आराम से सेटल हो सकें। दोस्तों इसीलिए हमारे संविधान में अनुच्छेद नहीं जोड़कर अनुसूचियाँ जोड़ी गई, एक टॉपिक को उन्होंने एक अनुसूची में रख दिया। तो दोस्तों यही है हमारे संविधान में अनुसूचियाँ जोड़ने का कारण। दोस्तों आपको बता दें, दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे कि आपको जो भी नई नई अपडेट होगी टेलीग्राम पे मैं बहुत ही जल्दी देता रहता हूँ, आप इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों हमारे अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप जुड़ सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम पे तो जरूर जुड़ें। दोस्तों चलिए अब आगे के टॉपिक इस टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन जो हमारा मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में लागू हुआ था, उस संविधान में मूल संविधान में कहा जाए तो मूल संविधान में जो हमारी अनुसूचियाँ थी वो 8 थी, जिन्हें बाद में संशोधन कर करके 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब तक वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ। दोस्तों चलिए मैं एक एक अनुसूची के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये हमारी अनुसूची का पार्ट वन है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पहली अनुसूची के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों पहली अनुसूची में विभिन्न राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि हमारे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। दोस्तों 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को NCR घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया। दोस्तों दूसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। दोस्तों दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, CAG यानी केग और के वेतन और भत्तों के बारे में चर्चा की गई, वेतन भत्ते और पेंशन आदि के बारे में चर्चा की गई है दूसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज और के वेतन और भत्ते और पेंशन आदि के बारे में चर्चा की गई। तो दोस्तों तीसरी अनुसूची में बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरी अनुसूची ये है कि मंत्री, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज की शपथ के बारे में चर्चा की गई। दोस्तों आपको बता दें, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चलिए चौथी अनुसूची पर बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरी अनुसूची में मंत्री, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के शपथ के बारे में चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की सीटों का निर्धारण। दोस्तों जो हमारे राज्य हैं, स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इन सभी राज्यों में चौथी अनुसूची में इन सभी राज्यों में कितनी कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की, उनके बारे में चर्चा की गई बाकायदा बढ़िया करके। पांचवी अनुसूची में बात करी जाए तो पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित एंड अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियों के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई कि इनका प्रशासन कैसा रहेगा। इनको आप याद करने की ट्रिक है ATMM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आज को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और दोस्तों हमने आज के वीडियो में आपको 6 अनुसूचियों के बारे में बताया, बाकी 6 अनुसूचियाँ अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक में रिलेटेड इतनी अनुसूचियों में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो अगली बची हुई 6 अनुसूचियाँ हैं, 7वीं अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है जरूर पूछ लें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।